बच्चों, आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। इसमें एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, और जो ये मैट्रिक्स दे रखे हैं, मतलब कि पेयर दे रखे हैं, ये इसके इक्वल, मतलब कि इक्वल या वैसे ही समझ लो आप। तो हमें निकालना है, फाइंड करना है, इक्वली समझ लो आप। तो फाइंड करते हैं, पहला लेते हैं 3x+7 इक्वल टू 0, ये इसके इक्वल है 0। यहाँ पर हम x फाइंड करते हैं, एक्स 3x इक्वल टू, ये प्लस का 7 इधर आएगा तो -7, x बराबर -7/3, x हमारा ये निकला। ओके, अब लेते हैं हम ये 5, इसका करते हैं y-2=5, वाई बराबर है 5, माइनस इधर आएगा प्लस का 2, वाई बराबर है 7। यहाँ एक्स हमारा कितना था, ये निकला था -7/3। ओके, अब इसका निकालते हैं, ये इसके साथ y+1=8, y=8 प्लस था इधर आएगा -1, y=7, वाई हमारा दोनों 7 ही निकला, एक्स हमारा -7/3 निकला, और इसका रह गया ये वाली इक्वेशन का, इसको भी निकालते हैं 2-3x=, ये 4 के साथ होगा। ठीक है, 3x-3x=4, 2 इधर प्लस का तो इधर आएगा माइनस का 2, -3x=2, x=2/-3, x=-2/3, एक हमारा x ये निकला और एक x ये निकला, और y हमारे दोनों क्या सेम थे। ओके, और यहाँ हमें ऑप्शन दे रखे थे कौन सा इसमें से करेक्ट होगा, तो हमारा देखते हैं, यहाँ x=-1/3=7y=7। ओके, और एक क्या दे रखा है हमारे पास, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, कि हमें कोई नहीं हो सकता इसमें से, कोई नहीं हो सकता, और एक दे रखा है y=7 और x=-2/3, ये हमारा राइट होगा, क्योंकि इसमें जो y की वैल्यू 7 दे रखा है और x की वैल्यू -2/3 दे रखा है, जो x की वैल्यू हमारे पास ये आया है, हमारे पास आए तो दो हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन में जो दे रखा है वो हमारा करेक्ट होगा। और यहाँ देखो, ये -1/3 दे रखा है और y=-2/3, तो ये नहीं होगा, तो हमारा ये वाला आंसर करेक्ट है। ओके,